बिलासपुर में एनएच चंडीगढ़ मनाली पर वाहनों की पासिंग के नाम पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। इस दौरान यातायात को नियंत्रण के लिए कोई भी पुलिस कर्मी नहीं दिखाई दिया। जब भी बिलासपुर में वाहनों की पासिंग होती है तो हर बार जाम लगना आम बात है। इस जाम के कारण आम जनता के अलावा मनाली चंडीगढ़ की ओर जाने वाले पर्यटकों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। बिलासपुर में एनएच चंडीगढ़ मनाली पर वाहनों की पासिंग के नाम पर कई घंटों तक जाम लग रहा। इस दौरान यातायात को नियंत्रण के लिए कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया। जब भी बिलासपुर में वाहनों की पासिंग होती है तो हर बार जाम लगना आम बात है। इस जाम के कारण आम जनता के अलावा मनाली चंडीगढ़ की ओर जाने वाले पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने वाहनों की पासिंग कर रहे निरीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ गैप के बाद बिलासपुर में वाहनों की पासिंग की जा रही है, जिस कारण वाहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भविष्य में शीघ्र ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा। लास्ट वीक पासिंग नहीं हुई है तो उसका भी एक रीजन है कि गैप काफी ज्यादा हो गया है एक पासिंग के बीच में। और दूसरा रीजन ये है कि जो यहाँ पे एचआरटीसी वर्कशॉप में ग्राउंड में स्पेस तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो जो यहाँ पे जो वे है, जो जहाँ से गाड़ियाँ पास होकर यहाँ पे अंदर आती हैं, यहाँ पे लोग पहले ही मतलब गाड़ियाँ लगा देते हैं एक साइड में, तो जिससे क्या होता है कि सिंगल वे रह जाता है। अब जैसे यहाँ से गाड़ी पास होती जाएंगी, जल्दी जल्दी निकालते होंगे वो जाते जाएंगी, लेकिन जो गाड़ियाँ बाहर हैं वो बोलेंगे हमने अंदर आना है, तो फिर मतलब वो एक सिस्टम नहीं बनता है कि एक जा रही है, मतलब इन और आउट के लिए कोई वे नहीं बना हुआ है। जैसे मैं यहाँ से जल्दी जल्दी गाड़ियाँ पास करूँ, सुबह की हो गई होंगी कोई 70-80 गाड़ियाँ पास हो चुकी हैं, लेकिन जो जा रही हैं फिर वो बाहर वाले जो बोल रहे हैं हमने अंदर आना है, और जो अंदर वाले जो पास होकर जा रही हैं बोल रहे हैं बाहर निकलना है। इस बार गैप ज्यादा हो गया था, तो ऐसा है जैसे 25th को इसी वीक में झंड उठता है, तो जो तहसील वाइज होता है, ऐसा कोई ये नहीं कि सिर्फ सबको बिलासपुर आना है, हर तहसील वाला अपनी तहसील में झंड उत्ते वाले की झंड उत्ता में होगी, घुमारे वाले की घुमारे में होगी, तो वैसे होता है पैटर्न वाइज ही ना, लेकिन उसके बीच भी काफी महीने का गैप पड़ चुका हुआ है, क्योंकि इस मंथ की स्टार्टिंग 7th-8th को थी घुमारे में, तो वो भी पासिंग हो चुकी है, तो इस बार का गैप थोड़ा ज्यादा हुआ है। और पिछले वीक में मैं भी मैं था नहीं, तो उस वजह से भी एक रीजन वो भी रहा है कि मतलब कि गैप 2 हफ्ते का ऑलमोस्ट हो गया है। तो आउटवे के लिए भी क्यों नहीं आपने ये व्यवस्था की? सर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आज जब पासिंग खत्म हो जाएगी, जो शाम का टाइम होगा तो ये रास्ता बिल्कुल खाली होगा, लेकिन जब आप सुबह आएंगे और जब जिस दिन पासिंग होती है तो यहाँ पे भी लोगों ने गाड़ियों के जाम इस पहली लाइन पे लग गई होती है, इस साइड भी अंदर तो लगेंगी, लेकिन हम बोलते हैं कि जो ग्राउंड में लगेंगी वही गाड़ी, लेकिन गाड़ियां यहाँ भी लग चुकी होती है, तो एक वन वे ही रह चुका होता है।